फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पार्टी टाइम। मैं हूं आपका होस्ट विशुल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेजोल्यूट ब्लैक वोडका का रिव्यू। रेजोल्यूट वोडका को प्रोड्यूस किया है मेल्चर्स ग्रुप ने, जो कि नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है और इंडिया में 2010 में इसको सिपिंग स्प्रिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया था। वैसे तो इंडिया में वोडका के कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और उन ब्रांड्स के फैन फॉलोइंग या लॉयल कंज्यूमर्स जो है वो भी उतने ही ज्यादा है। ऐसे में रेजोल्यूट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो इंडिया में अपना मार्केट किस तरीके से बनाए। जो कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई वो इस तरीके की अपनाई कि उन्होंने रेजोल्यूट वोडका के 3 अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किए और साथ ही साथ कंपनी का ये दावा भी है कि रेजोल्यूट वोडका इतनी सॉफ्ट है, इतनी स्मूथ है कि उसको नीट भी पिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो नीट पीने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये जो मल्टीपल चॉइस वाली बात है वो अपने आप में एक यूएसपी भी है। जहां तक बात है 3 वेरिएंट्स की, तो रेजोल्यूट वोडका क्रिस्टल व्हाइट, पिंक और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। पिंक वोडका को स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी के साथ ब्लेंड किया हुआ है, व्हाइट वोडका को फाइन ग्रेन्स के साथ ब्लेंड किया हुआ है और जो ब्लैक वोडका है, ब्लैक कैटेच्यू करके एक हर्ब है, उसके द्वारा ब्लेंड किया हुआ है। तो इस तरीके से रेजोल्यूट ने अपना मार्केट पूरा बनाया है। तो ये सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी बॉटल पे। तो ये है इसकी बॉटल। जहां तक मैं बात करूं बॉटल की, तो बॉटल मुझे बहुत ज्यादा रेट्रो फील करवाती है। लोगों के पास एक विस्की का फ्लास्क होता था, कहीं ना कहीं ये बॉटल जो है उसी शेप की बॉटल है, उसी फ्लास्क की मुझे याद दिलाती है। बॉटल पे जो सबसे प्रोमिनेंट दिखाई देता है वो है उसका लोगो, कंपनी का लोगो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। एंड व्हाइट और रेड कलर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है सिपिंग स्प्रिट्स और उसके नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है रेजोल्यूट ब्लैक वोडका। और अगर बॉटल के पीछे की बात करें तो बॉटल के पीछे भी कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई है और उसके अलावा जिस तरीके से कंपनी क्लेम करती है कि इस ड्रिंक को नीट भी पिया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रिंक है वो 7 बार डिस्टिल्ड ड्रिंक है और 5 बार फिल्टर्ड ड्रिंक है। यूजुअली हम वोडका की अगर बात करें तो वोडका 4 या 5 बार ही डिस्टिल और फिल्टर होती है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा बार फिल्टर है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लाइट और सॉफ्ट ड्रिंक है। तो आइए सीधे इसको नोट्स करते हैं और देखते हैं किस तरीके के नोट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो नोट्स के पहले अगर हम देखें इसका कलर को, तो ये बहुत ज्यादा डार्क ड्रिंक दिखाई दे रही है और डार्क के साथ साथ, मतलब ऑफकोर्स ब्लैक ड्रिंक दिखाई दे रही है और ब्लैक के साथ साथ अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें हल्का सा ब्लूइश कलर है, मतलब डार्क ब्लू जो कलर होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि इसके पहले कई वोडका मैंने पी है, कई ब्रांड्स मैंने टेस्ट किए हैं, लेकिन जहां तक बात है ये वोडका की, मतलब कलर्ड वोडका की, तो कलर्ड वोडका मैं पहली बार मैंने ट्राई किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस था इसको ट्राई करने के बाद वो ये था कि ये बहुत ही अलग ड्रिंक है, बहुत ही अलग टेस्ट करती है, एक्सपीरियंस मुझे बहुत अलग दिया है इस ड्रिंक ने। सो आइए सीधे इसको नोज करते हैं। पहले नोजल में सबसे पहले जो मैं बता दूं कि ब्लैक कैटेच्यू जो हर्ब्स है उससे बनी हुई है, तो सबसे ज्यादा जो हाई नोट्स है, जो हाई फ्रेग्रेंस है वो मुझे उसी ट्री की मिल रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ब्लैक कैटेच्यू है ये वही ट्री है जिससे इंडिया में जो हम लोग पान खाते हैं, पान के अंदर जो कत्था यूज होता है, उस कत्थे को भी वो ब्लैक कैटेच्यू ट्री जो है उस हर्ब से बनाया जाता है। सो आइए सीधे इसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में मुझे सबसे ज्यादा हर्ब्स के नोट्स मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटेंस नोट्स मिल रहे हैं। जिस तरीके से बाकी के वोडका है उसमें टेस्ट का ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन इस वोडका में मुझे टेस्ट इंटेंस पता चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ड्रिंक करने के बाद जब आप सिप लेते हैं तब ये एक वार्मनेस आपके मुंह में छोड़ के जाती है। काफी समय तक जो इसका टेस्ट है आपके मुंह में ही रहता है, बहुत ज्यादा स्मूथ, एकदम लाइट, कोई किसी भी तरीके का अल्कोहलिक जो हिट है वो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इसका टेस्ट अडॉप्ट करने में हो सकता है कि कुछ लोगों को टाइम लगे, कुछ लोगों को समय लगे, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आ जाता है तो ये एक्चुअली में काफी लाइट ड्रिंक है और इसको नीट पिया जा सकता है और ये रिप्लेस कर सकती है कई बड़े बड़े ब्रांड्स को भी। रेजोल्यूट वोडका में 42.8% अल्कोहल हम लोगों को मिलता है और ये मैंने गोवा से ये ड्रिंक खरीदी है और ये ड्रिंक जो 750 ml की जो बॉटल है वो मुझे 650 rupees के आसपास पड़ी है। सो रेगुलर यूज के अलावा भी इस वोडका को हम लोग कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉकटेल बनाने में।
ब्लैक विडो करके एक कॉकटेल है जो कि बहुत ही फेमस कॉकटेल है और बहुत ही अच्छी दिखने वाली कॉकटेल है। और अगर आपकी पार्टी की थीम रेड और ब्लैक कलर की है तो ब्लैक विडो आपकी पार्टी में चार चांद लगा सकती है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड कीप वॉचिंग पार्टी टाइम। चीयर्स।